बायोलॉजी, बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रिबेरस। तो बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रिबेरस। तो लैमार्क एंड ट्रिबेरस ने 1802 में 1802 में बायोलॉजी वर्ड को दिया था। बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रिबेरस इन 1802 इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस देयर इज अ मैनी ब्रांच ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेम एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इज बायोलॉजी, वेयर वी स्टडी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मेनली इंक्लूड बॉटनी, इट मेनली इंक्लूड बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बायोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बॉटनी, जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, और जूलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। देखिए, जू जू एक रूट वर्ड्स है जिसका मतलब होता है एनिमल। तो जहाँ पे जू, जैसे आपने देखा होगा जू जू घूमने जाते हैं ना, जैसे वन विहार टाइप होते हैं उन्हें जू कहते हैं। तो वो जू क्या होते हैं? जू जहाँ पे एनिमल रहते हैं। तो वो जू, इसलिए एनिमलों की स्टडी करते हैं वो जूलॉजी। और ये यहाँ पे बॉटनी, बोटा, बोट लिखा है, ये पेड़ों के लिए होता है, तो बॉटनी से याद रखें पेड़ के लिए। द साइंटिस्ट हु गेव दिस थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वॉज अरिस्टोटल। द साइंटिस्ट वैज्ञानिक हु गेव दिस थॉट, हु गेव दिस विचार, जिसने विचार दिया फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स पेड़ों की जीवन के बारे में एंड एनिमल और एनिमल के जीवन के बारे में बॉज अरिस्टोटल, वो अरिस्टोटल थे। द साइंटिस्ट हु गेव दिस थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉज अरिस्टोटल। दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। दैट्स वाई ही इज आ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? अरिस्टोटल। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। बिकॉज अरिस्टोटल ने ही ये पहली बार विचार दिया था, तो इसलिए अरिस्टोटल के सम्मान में ही इसको बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर कहा जाता है। लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। इन एटीनथ सेंचुरी कैरोलस लिनियस डेवलप्ड बायोनोमियल नोमनक्लेचर। किसने डेवलप किया था? कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो लिनियस, तो कैरोलस लिनियस डेवलप्ड बायोनोमियल नोमनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जीन्स एंड स्पेसीज। साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जीन्स एंड स्पेसीज। विटकर ने क्या दिया था 1969 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम। मोनेरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में क्लासिफाइड किया था किसने? विटकर ने इन 1969 में। तो विटकर 1969 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम्स, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, प्लांट एंड एनिमल। तो विटकर ने 1969 में
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव किंगडम में कैटेगराइज किया था, कौन कौन से, मोनेरा 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 प्लांट 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 एनिमल 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 प्रोटिस्टा 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 फंगी फंगी फंगी। देखिए ये तीन तो आपको या तीन तो याद ही रहते हैं, एनिमल प्लांट और फंगी, दो ये हैं मोनेरा एंड प्रोटेस्टा। तो मोनेरा भिट टेकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में क्लासिफाइड किया था, जिसमें मोनेरा था, मोनेरा था, प्रोटेस्टा था, मोनेरा मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांट एनिमल, ये पांच कैटेगरी। मोनेरा और प्रोटेस्टा इज द लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, रिमेंबर दैम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा। तो बिटटेकर 1969 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फाइव किंगडम, मोनेरा मोनेरा प्रोटेस्टा मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांट एनिमल। मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा के अंदर हम मोनेरा किंगडम में कौन आता है, मोनेरा किंगडम में आते हैं जो बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, ये मोनेरा किंगडम है, इसमें कौन कौन आता है, बैक्टीरिया एंड माइक्रो एंड माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। वाइल जबकि प्रोटिस्टा, वाइल प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, जब वाइल प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, और प्रोटिस्टा में कौन आता है, इस प्रोटिस्टा में, ये प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को ही हम प्रोटोजोआ कहते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को ही हम प्रोटोजोआ कहते हैं। वायरसेस, वायरस वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक, वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक, वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन डब्ल्यू एम स्टानली फर्स्टली क्रिस्टलाइज टीएमबी मतलब तंबाकू मोजाइक वायरस, तबाको मोजाइक वायरस टीएमबी, तबाको मोजाइक वायरस टीएमबी। तो वायरस कहते कहते हैं, वायरस आर सब माइक्रोस्पोकिक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस में क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। डब्ल्यू एम स्टोनली फर्स्टली क्रिस्टलाइज टोबाको मोसाइक वायरस। फिर आता है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर। तो वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर। अब इसके बाद में आता है अपना, एक मिनट रुकेंगे आप, अब ठीक, अब आता है द सेल, सेल ठीक है, सेल सेल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल थ्योरी के अनुसार प्रपोज्ड बाय स्लीडन अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी प्रपोज बाय स्लीडन एंड स्क्वेन एट 1838। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
एन ऑर्गेनिज्म मे बी कंपोज ऑफ सिंगल सेल, सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट है, जो कार्यकारी इकाई है, उसे हम सेल कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म मे बी कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी बना होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर, और मैनी सेल्स जैसे मल्टी सेलुलर। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्स दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल विच लैक्स न्यूक्लियस। सेल आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक विच हैव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो सेल्स आर टू टाइप, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर विच टाइप सेल, दोस डज नॉट हैव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक सेल्स विच हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एलीग्स, व्हाइल यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है, बैक्टीरिया में, माइक्रोप्लाज्मा में, मतलब कि ये आपका मोनेरा एंड प्रोबिसाइट में होती है। कौन की, कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल, जो मोनेरा किंगडम के और प्रोबिसाइट प्रोसाइट मोनेरा एंड ये आपके प्रोविस्टा किंगडम के, मोनेरा और आपकी ये प्रोविस्टा किंगडम के, कहाँ गया, देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के जो जीव होते हैं उनमें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन अलीग, भाइल यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट, यूकैरियोटिक सेल कहाँ मिलती हैं आपको, प्लांट में जिसमें न्यूक्लियस होता है, एनिमल्स एंड फंगी इनमें यूकैरियोटिक सेल होती हैं। अब न्यूक्लियस एसिड्स दीज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, दीज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली डीएनए एंड आरएनए। तो दीज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, दीज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इट हैज फोर बेसेस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड थाइमिन। राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोइड्स। इट कंटेंस यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो थाइमिन की जगह पे अगर यूरेसिल कंटेन हो जाता है तो वो आरएनए बन जाता है।
ह्यूमन सिस्टम द सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हम क्या हैं? ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक, मतलब कई बहुत सारी मात्राओं में, हजारों लाखों की तादाद में हमारे अंदर सेल्स हैं। एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज इंटू टिशूज। द सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलुलर एनिमल आर ऑर्गेनाइज इंटू टिशू। तो जो सेल से क्या, टिशू किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। तो सेल से टिशू ऑर्गेनाइज होता है। टू और मोर टिशू और ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। एंड दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन टू, टू एंड और मोर टिशू ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कवर्ड। Digestion is the process by which complex food is converted into simple components with the help of digestive enzymes. Hydrolysis process कहते हैं, hydrolysis process. Respiratory system. Respiration is an oxidative process involving oxidation of food substance such as carbohydrate, fat and proteins to form CO2, water and to release energy. तो रेसिप्रेशन इन एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन टू फॉर्म CO2, वाटर एंड टू रिलीज एनर्जी। तो रेसिप्रेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन टू फॉर्म CO2, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। Respiration may be anaerobic without O2 and aerobic with O2. तो respiration दो तरीके का होते हैं, anaerobic जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और aerobic जिसमें ऑक्सीजन होती है। Organ animals, ठीक है। तो lungs किसमें होते हैं? Reptiles and mammals में lungs होते हैं। स्किन देखिए कौन से ऑर्गन से कौन रेसिप्रेशन करता है, सांस किस अंग से कौन सा जानवर सांस लेता है। देखिए लंग्स से कौन रहता है? रेप्टाइल्स एंड ममल्स। स्किन से फॉग, अर्थवॉर्म एंड लीचीज, ये सब स्किन से। गिल्स, फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड लीचीज। गिल्स से फिशेस, टेडपोल्स एंड प्रॉन्स। एंड ट्रेची से इंसेक्ट्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स। बॉडी सरफेस, प्रोटोजोआंस, पोरीफेरा एंड कोलेंट्रेट्स। बुक लंग्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। बुक गिल्स, किंग क्रैब, प्रॉन, क्रेफिश एंड डेफनिया। मेंटल, मोलूस्का, यूनियो। ईयर ब्लेडर, लॉन्ग फिश एंड बोनी फिशेस, लेवियो। एयर सेक लंग्स बर्ड्स। ये सब हैं, ठीक है। इसके बाद में अब आता है फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन सी विटामिन फैट में सोल्यूबल होती है और कौन सी नहीं होती, ये जानेंगे हम, समझेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये इस तरीके से टर्न हो जाए, हो तो अच्छी बात है,
देखते हैं। एक काम करिए आप, इसको मैं कैसे पढ़ाऊँ आप बताइए। ये उल्टा आ रहा। ओके, आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक। विटामिन नेम, विटामिन मेन, रेटिनल, जो विटामिन ए, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, तो विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, ये रिच फूड सोर्स। विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स हैं विटामिन ए के, देखिए, फिश, फिश है, फिश लीवर ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीवर, मोस्ट लीफ वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स कंटेन कैरोटीन, कैरोटीन दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल। फंक्शन क्या है आपके विटामिन ए के, तो देखिए, नीडेड फॉर हेल्दी एपिथेलियल सेल्स एंड रीजनरेशन ऑफ राइडोडोप्सिन इन रॉड सेल्स ऑफ द आई। और इसके इसकी कमी से क्या होता है, ड्राई स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोल्पिया। इसके बाद में आता है डी, विटामिन डी जिसको कहते हैं हम, विटामिन डी जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं ये सब, तो विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। फिश ऑयल्स, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, फिश ऑयल्स, एग योल्क एंड बटर। इट कैन बी मेड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द स्किन। फंक्शन क्या है, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बोन एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम यूरिन। डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, सॉफ्ट बोन दैट बेंड ईजिली, रिकेट्स मतलब सॉफ्ट बोन दैट बेंड ईजिली, ऑस्टियोमलेशिया, पेनफुल बोन्स इन एडल्ट्स। विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। वेजिटेबल ऑयल्स रिसोर्स क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स, सीरियल्स प्रोडक्ट्स एंड मेनी अदर फूड्स। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अफेक्ट्स मसल्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिफिशियंसी क्या होता है, मिल्ड एनीमिया एंड स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी डिफिशियंसी इन रेयर इन ह्यूमंस। विटामिन के, विटामिन के फाइलोक्योनाइन, विटामिन के को क्या कहते हैं, फ्लोक्यूनोन, विटामिन के या फ्लोक्यूनोन। देखिए इसकी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एप एच बाय फी ली यो क्यू नॉन, फ्लियोक्यूनोन। तो विटामिन के फ्लियोक्यूनोन, इस रिच फूड सोर्स क्या है, फ्रेश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल्सो मेड बाय गट बैक्टीरिया। फंक्शन क्या है आपके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग करवाता है, ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का जमवाता है। और डिफिशियंसी डिसीज, डिलेड क्लोटिंग टाइम, मे एक्वायर इन न्यू बॉर्न बेबीज बिफोर देयर गट बैक्टीरिया बिकम एस्टेब्लिश्ड। अब विटामिन नेम, रिच फूड सोर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ी थी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन थी, कौन सी थी, फैट सोल्यूबल विटामिन थी, याद रखेंगे। अब विटामिन नेम, विटामिन नेम जैसे रिच फूड सोर्स, फंक्शन डिफिशियंसी डिसीज।
विटामिन बी वन जिसे हम थाइमीन भी कहते हैं, रिच फूड सोर्स हैं ईस्ट, सीरियल्स, नट्स, सीड्स एंड पॉक। ठीक है, फंक्शन क्या है, को एंजाइम इन सेल्स, रेसिप्रेशन नेसेसरी फॉर कंप्लीट रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, बेरी बेरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्टंट ग्रोथ एंड नर्व डिजनरेशन। इसके बाद में आता है विटामिन बी टू जिसे हम राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, रिच फूड सोर्स क्या है आपका, लीवर, मिल्क, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। फंक्शन को एंजाइम इन सेल, रेसिप्रोशन प्रोसेस, प्रीकर्सर ऑफ एफएडी। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, क्रैक्ड स्किन एंड ब्लड विजन। विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी थ्री को नियासिन भी कहते हैं, रिच फूड सोर्स क्या है आपका, लीवर, ईस्ट, होल सीरियल्स एंड बीन्स। फंक्शन क्या है, कोएंजाइम इन सेल्स, रेसिप्रेशन, प्रेक्यूरसर ऑफ एनएडी एंड एनएडीपी। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, पेलेग्रा क्या होता है, सीवियर स्किन प्रॉब्लम, डायरिया एंड डेमेंशिया। फिर आता है B6 जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड। एन रिसोर्स क्या है, एनिमल टिश्यू, होल ग्रेन, सीरियल्स एंड लेगुमस। फंक्शन क्या है, नीडेड टू मैन्युफैक्चर एड्रेनल हार्मोन। B5 को क्या फंक्शन है, नीडेड टू मैन्युफैक्चर एड्रेनल हार्मोन। डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है, पेलेग्रा, डर्मेटेसिस एंड डायरिया। विटामिन B6 जिसे पाइरिडोक्सिन भी कहते हैं, पाइरिडोक्सिन। रिच फूड सोर्स हैं मीट, फिश, एग, सीरियल्स, ब्रेन एंड सम वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या है, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनिमो अमीनो एसिड्स। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स एंड नर्व डिसऑर्डर। विटामिन B10 फोलिक एसिड, लीवर रो रिसोर्स क्या है, लीवर, रो ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट एंड गट बैक्टीरिया। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, एनीमिया स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन B12 लीवर रिसोर्स क्या है, विटामिन B12 जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन B12। तो विटामिन B12 को हम साइनोकोब्लामिन भी कहते हैं, लीवर जिसके सोर्स क्या हैं, लीवर, मिल्क, फिश, ईस्ट एंड नन इन प्लांट फूड्स। और इसकी कमी से क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मेरो, मेंटेनेंस ऑफ माइलिन सेथ ऑफ नर्व्स, और परनीशियस एनीमिया एंड नर्व डिसऑर्डर्स। इसके बाद में आपका आता है आपका विटामिन B12 हो गया। इसके बाद में विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये विटामिन सी, इसको आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, विटामिन बी का काम क्या होता है आपका, ब्लैक करंट्स पेपर्स। इसके सोर्स क्या है, ब्लैक करंट्स पेपर्स, स्प्राउट्स एंड साइरस फ्रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ कोलेगन एंड इंटरसेलुलर सीमेंट, स्कर्बी एंड पुअर बाउंड हीलिंग। अगर आपको इस विटामिन सी की कमी है तो ये हो जाते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो हमने पढ़े विटामिन के कार और उनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग। ठीक है, अब हमने फैट सोल्यूबल पढ़े, अब हम कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम सोर्स बेहर एक्टिव एंजाइम, उनके सोर्स बेहर जहाँ पे वो एक्टिव होते हैं, सबस्ट्रेट एंड मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। और इनका मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है, कौन से प्रोडक्ट को कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है। ठीक, तो आपका देखिए, अब आपका आता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सेलिवरी एमलीसी। ठीक है, सोर्स क्या है, सेलिवरी ग्लांड्स। और एक्टिव कहाँ रहता है, ये
सलाइवरी, सलाइवा होती है ना आपके मुंह में जो लार होती है, तो सलाइवरी एमलाइसी, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और ये कहाँ पे एक्टिव रहता है? माउथ में। और सबस्ट्रेट कहाँ होता है? पॉलीएस्टेराइड्स, पॉलीएस्टेराइड्स क्या करता है? पॉलीएस्टेराइड्स करता है। और इसका मेन ब्रेक डाउन क्या है? डाइएस्टेराइड्स, ठीक है। फिर आता है पेनक्रिएटिक एमलाइसी, पेनक्रिएटिक एमलाइसी सोर्स क्या है? पेनक्रियाज। एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। सबस्ट्रेट क्या है इसका? पॉलीएस्टेराइड्स और डाइएस्टेराइड्स। फिर इसके बाद में आता है डाइएस्टेराइड्स एंजाइम, सोर्स क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करता है? डाइएस्टेराइड्स, डाइएस्टेराइड्स डाइएस्टेराइड्स मोनोसैचेराइड्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, मोनोसैचेराइड्स का। प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन करता है? जैसे पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है आपका, पेप्सिन। तो अब जानिए पेप्सिन। स्टोमक मोकोसा स्टोमक में एक्टिव रहता है, किस सबट्रेट करता है? प्रोटीन्स। मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है इसका? पेप्टाइड फ्रेगमेंट। आपका आता है ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन। सोर्स क्या है? पेनक्रियास। बेहर एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपका सबस्ट्रेट क्या है? प्रोटीन्स एंड पॉलीपेटा पेप्टाइड। और मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है पेप्टाइड फ्रेगमेंट। फिर आपका आता है कार्बोक्सी पेप्टाइड पेप्टिडेस। सोर्स क्या है? पेनक्रियास। एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबस्ट्रेट क्या है? पेप्टाइड फ्रेगमेंट। मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। फिर आता है अमीनो पेप्टाइडीज। सोर्स क्या है? इंटेस्टिनल न्यूकोसा। एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबस्ट्रेट क्या है? पेप्टाइड फ्रेगमेंट। मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। फैट डाइजेशन के लिए है लिपेसी, LIPAC लिपेसी। एक्टिव कहाँ, सोर्स क्या है? पेनक्रियास। एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका स्ट्रेटाइड क्या है? ट्राइग्लाइसेराइड्स। और इसका मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है? फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसेराइड्स। न्यूक्लियक एसिड डाइजेशन आपका होता है पेनक्रिएटिक न्यूक्लियस। रिसोर्स क्या है? पेनक्रियास। एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका स्ट्रेटाइड डीएनए एंड आरएनए। मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। इंटेस्टिनल न्यूक्लियस सोर्स है इंटेस्टिनल मुकोसा। आपका ये एक्टिव कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्ट्रेटाइड क्या है? न्यूक्लियोइड्स। और मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट किसका ब्रेकडाउन किसका करता है? न्यूक्लियोइड बेसिस एंड मोनोसैचेराइड्स। ये एंजाइम हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फ्लूड क्या होता है? फ्लूड। ब्लड क्या होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं ब्लड को। तो आपसे पूछे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, वहाँ पर दे देगा ब्लड, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, तो आप कहोगे ब्लड, ठीक है। फ्लूड ऐसा द्रव, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसे, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं द्रव को, खून को क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, जो बना होता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स से मिलकर। एन अडल्ट पर्सन हैज 5 to 6 किलोमीटर ब्लड, 5 to 6 लीटर ब्लड। एक वयस्क आदमी में, वयस्क आदमी में 5 से 6 लीटर खून होता है। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा एल्कलाइन होता है, हैविंग pH 7.3 to 7.4। तो ब्लड का pH वैल्यू कितनी होती है? या तो आपको 7.3 या 7.4, ठीक है, ब्लड की pH वैल्यू होती है।
प्लाज्मा, प्लाज्मा इज पेल येलो ट्रांसपेरेंट, प्लाज्मा मिला होता है खून में, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ पेल हल्का येलो पीला ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो खून के 60% में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ 90 to 92% वाटर, 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 7% में क्या होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है, प्रोटीन्स। एंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पसल्स मोस्ट अबंडेंट आर नो आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो आरबीसी होते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या आता है, रेड ब्लड कॉप्सूल्स। तो आरबीसी, रेड ब्लड कॉप्सूल्स मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा होती हैं हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड कॉप्सूल्स। आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन हीमोग्लोबिन द रेसिप्रोटी पिगमेंट। वाइट ब्लड सेल, जिसे हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड ग्रेनुलर और अग्रेनुलर, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ईसाइनोफिल्स आर ऑल्सो कोल्ड एसिडोफिल्स, 2 to 8% आर फेगोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। बेसोफिल्स 2% आर नॉन फेगोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड इंक्रीज ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। न्यूट्रोफिल्स 65% आर फेगोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड इंक्रीज ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ब्लड ग्रुप फेनोटाइप, एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, कैन गिव ब्लड टू ग्रुप्स, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ग्रुप, जेनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप वो जो होता है, एंटीजन रेड ब्लड सेल्स, कोई एंटीजन नहीं होता इसमें, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होते हैं, कैन गिव ब्लड टू ग्रुप ओ ए बी एंड ए बी, ये किसी भी पॉजिटिव वाले ग्रुप दे सकता है, ठीक है। कैन रिसीव ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। जेनोटाइप क्या होता है, इसका ओ होता है। इसके बाद में आता है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन इसमें ए होता है, एंटीबॉडी इसमें बी होता है, एंटी बी होता है, और कैन गिव ब्लड टू ए एंड ए बी को ये ब्लड दे सकता है, और कैन रिसीव फ्रॉम ओ एंड ए से ये ले सकता है, ठीक है, ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। इसमें ए ए और ए ओ जेनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप बी जो होता है, एंटीजन रेड ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप जो बी होता है इसमें एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडीज ए होती हैं, गिव ब्लड किसको दे सकते हैं, बी को और ए बी वाले को, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ से ले सकते हैं और बी से ले सकते हैं, और जेनोटाइप बी 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 और बी ओ होते हैं। ए बी एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, ए एंड बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, कोई प्लाज्मा नहीं हो, एंटीबॉडीज होती इनमें, कैन गिव ए बी को दे सकते हैं और रिसीव फ्रॉम और ले किसी से भी सकते हैं। अब बात आती है मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट 0.5%, मोनोसाइट्स आर अग्रेनुलोसाइट कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ ब्लड एंड इंक्रीज ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस। लिम्फोसाइट्स 26% आर अग्रेनुलोसाइट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम भी क्या, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स।
Platelets, thrombocytes are non-nucleated. Platelets have lifespan of about 10 to 8 days. Rh factors discovered by Landsteiner and Wiener and rhesus monkey, which is responsible for erythroblastosis, Foetal's disease. Important component of blood clotting are fibrinogen, prothrombin, thrombolytin, calcium ions and vitamin K. Heart. Human heart is myogenic. Contraction is initiated by a pulse produced by sinoatrial node, SA node. Located in right atrium, it is called pacemaker. फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब. तो हमारे हार्ट साउंड की आवाज़ धक धक नहीं होती, लब डब होती है, लब डब लब डब. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कोल्ड सिस्टोल 120 mmHg, वाइल रिलैक्सेशन इज कोल्ड डिस्टोल 80 mmHg. एक्सक्रीशन It is the processed elimination of harmful waste product from the animal body to regulate the composition of the body fluids and tissues. Human excretory system is composed of two kidneys. Nephron is the structural and functional unit of kidneys. Color of urine is pale yellow. It is due to pigment urochrome. तो urochrome pigment किस में होता है? Color में होता है. ठीक है, आपका यूरिन में होता है. ह्यूमन यूरिन कंटेन अबाउट, ह्यूमन की यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर, 2% सोल, 95% वाटर, 2% सोल्स, 2.6% यूरिया एंड 0.3% यूरिक एसिड. अब कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं एनिमल में, देखिए. कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूलो अमीबा में होता है. फ्लेम सेल सोलिसाइट्स, ये आपका टैप बॉम में होता है. रेनिटी सेल एस्कारिस में होता है. नेफ्रीडिया आपका अर्थ बॉम में होता है. मेलपिगियन ट्यूबल्स कॉकरोच में होता है. कोएक्सल ग्लैंड्स स्कॉर्पियन में होता है. ग्रीनलैंड्स आपका प्रॉन में होता है. pH of unit is about 6.0. Mildly acid. The urine on standing gives a pungent smell. It is due to the conversion of urea into ammonia. Specific gravity of urine is 1.015 to 1.025. Volume of urine is 1 to 2 liters per day. Product animal ammonia. Most invertebrates, fishes, etc. Urea, Ascaris, earthworm, cartilaginous fishes, ठीक है, cartilaginous fishes, amphibian and mammals. Uric acid, insects, land, reptiles and birds. Central nervous system. अब हम central nervous system कल पढ़ेंगे, ठीक. आज के लिए इतना है.